कि नहीं आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज होती है, लेकिन तब ये भी नहीं पता था कि यार यूपीएससी नाम की कोई एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जाम है, उससे और भी पोस्ट में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैं अपने कॉलेज लेवल में आई, जब कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने भोपाल से ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग किया है, और उस दौरान मुझे जब मैंने सोचना शुरुआत की कि क्या बनना है, कंटेम्पलेट किया कि एग्जैक्टली क्या करियर चाहती हूँ, तो लगा कि यार कहीं जो पुरानी ड्रीम थी, जो सपना था, वो अभी उसको सामने लाना चाहिए। फिर इस बारे में और पढ़ा, और तब खान स्टडी ग्रुप भोपाल में सेंटर वहाँ पे जैसे शुरू हो गया था, तो मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है मैंने वहाँ से किया। और इस एग्ज़ाम के बारे में जो चीज़ें मुझे एक दो साल में समझ में आई हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो पहले जय और रचना आप दोनों बोल चुके हैं कि कंसिस्टेंसी। आप अगर दिन में, कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते, कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, ना हम पढ़ भी नहीं सकते। एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज उतना ही अपने पढ़ाई को देना है।